हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाला राउंड हार जाऊंगा ना, तो सेकंड वाले राउंड के अंदर मैं अच्छी गन ले सकता हूँ। इसलिए भाई बंदे को मारना पड़ेगा यार, बंदा पता नहीं कहाँ से आ गया पीछे से। वेट, कटाने से भी वैसे कमाल हो सकता है, पर यार सिर्फ हम दो बंदे बचे हैं और वो चार हैं, मुश्किल है थोड़ा। चलो मैंने किसी का किल तो कन्फर्म करवा दिया, अभी 2 vs 3 है। ये गया जा, अरे भाई चलो ठीक है, फिनिश करो भाई, रिवाइव हो रहा है। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया, अभी 2 बंदे और बाकी हैं। ये भी गई लड़की। चलो बालिक है, तुम्हारा काम तमाम हो गया, एक फाइनल और बचा है। ये मरेगा भाई, ये मरेगा, पहले इसको फिनिश करूँगा मैं जो नीचे है। ओ भाई ये रिवाइव हो गई थी एक बार, तो इसको तो मुझे फिनिश करना पड़ेगा। वेट, अच्छा है, बार बार वो मेरा ओरिंग चार्ज कर देती है भाई। लो एक लगा इसको, मतलब ये डैमेज होगा। अच्छा चलो चुप, भागो 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 भाई, मेरी भी हेल्थ कम है, भागो, बस काम हो जाएगा अपना। चलो भाई कटाना से आपके भाई ने करके दिखा दिया कमाल। खैर मुझे लगा नहीं था कि मैं कटाना की मदद से यहाँ पे ट्रिपल किल मार दूंगा और फर्स्ट वाला राउंड सिर्फ मेरी वजह से जीतेंगे, बट ऐसा हुआ है भाई। कटाना काफ़ी ज़्यादा कारगर थी। खैर मैंने यहाँ पे एक बंदे के पास से मैंने पिस्टल को भी उठा लिया था, वो मर गया था, तो पिस्टल भी काम कर गई, बट हाँ कटाना ने ज़्यादा काम किया, कटाना ने ज़्यादा डैमेज दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही बात है। P90 को इस बार मैंने ले लिया क्योंकि P90 के ऊपर मेरा नाम भी आता है। P90 काफ़ी ज़्यादा सही गन है और मुझे मज़ा भी आता है चलाने में। आप देखो कितने ज़्यादा मैं सही तरीके से चलाने वाला हूँ P90 को। मैं पीछे की तरफ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सामने से कोई बंदा आएगा तो मैं उसको मार दूंगा अगर यहाँ से आता है तो, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं इस तरफ तो निकल ही आया हूँ। बस पीछे से कोई बंदा ना आ जाए, हो सकता है भाई कोई पीछे से आ जाए, तो एक बार मैंने पीछे भी नज़र मार ली है, कोई भी नहीं है पीछे, आगे ही बंदे हैं। गया फर्स्ट बंदा, निपटा फर्स्ट ब्लड भाई। अभी सेकंड वाले की बारी है, दिख जाए मुझे भाई कहाँ पे, ये बंदा ही नहीं दिख रहा भाई सेकंड वाला। वेट 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 वेट, आगे भाई को देखना, वो रहा, दिख गया दिख गया दिख गया, तो ख़त्म ना भाई, दिख गया तो बच नहीं सकता ये, तू भी गया बेटा, बच नहीं पाएगा, चला ले कितनी गोली को। लगातार आपका भाई ने ट्रिपल किल मारे हैं, फर्स्ट वाले राउंड में भी ट्रिपल किल, सेकंड वाले राउंड में भी ट्रिपल किल, और अगर मैं लगातार 4 राउंड्स में ट्रिपल किल मारता हूँ तो मेरे कितने किल हो जाएंगे भाई, 12 किल। 12 किल्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। खैर ऐसा होगा नहीं जैसा मैंने सोचा, हर बार तो नहीं होते, हो सकता है एक आध बार रेस हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा, हर बार नहीं होते भाई, 1-2 किल भी हो जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सही बात है। अपन ने अपना कोऑर्डिनेशन करके दिखाया है टीम को, अगर टीम की बारी है भाई वो क्या करते हैं भाई, वो कैसे गेम को जितवाते हैं। बाकी हमने तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही खेला, 2 राउंड मेरी वजह से जीते हैं ये मैं बोल सकता हूँ अभी, और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे अपनी टीम भी काफ़ी ज़्यादा सही है, लाइक गौरव भाई है अपने पास और TG है, कट्टर हेद्दू है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही प्लेयर है, जितवा देंगे अपने को। मेन हम भी कोशिश करेंगे जितवाने की और वो भी करेंगे। अच्छी टीम होती है ना तो थोड़ा सा यार आप बोल सकते हो कि अपने ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, अपने फ्रेंड्स भी अपने को जितवा सकते। ये बंदा तो गया रेंडम था, ये डैमेज लगेगा प्लेयर्स को, गया भाई एक को डैमेज लगा, एक बंदा नॉक है। चलो भाई फिनिश करेंगे इसको पूरा। वो बंदा कहाँ गया भाई जो नीचे गया था, वो नीचे गया वाला बंदा दिख नहीं रहा भाई, वो भी डैमेज था यार इसलिए वो नीचे की तरफ भागा था, मुझे दिख ही नहीं पा रहा है वो। कोई बात नहीं, मैंने वेस्ट को तो अपनी रिपेयर कर लिया है, बट वो बंदा है तो है कहाँ। लगी है उसको कुछ गोली, 13-14, बट यार इतने कम के डैमेज से उसका काम नहीं बनेगा। अब यार मुझे चाहिए ना कि थोड़ा क्लोज में आ जाए, या फिर दिख गया, अरे शिट भाई यार वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भाग गए, मैं मारने को ही था बट यार मारने बंदा आ गया, तो भाई ख़त्म, हार गए भाई, मैं मारा तो समझो गेम हार गए, कोई चांस नहीं है जीतने का। बोला था ना भाई अगर मैं मारा तो समझो कि डिफीट हो गए यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर मैं मर गया ना तो समझो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी टीम का जीतना, तो इसलिए यार मुझे अपनी जान को बचा के रखना पड़ेगा जैसे कि अपनी टीम जीत जाए और अपन हारे ना। वैसे मुझे देखने वाली बात है कि मैं कितने किल कर लूँगा, इस बार तो मैंने साथ एक भी किल नहीं किया था ना, नहीं भाई एक किया था मैंने, ग्रेनेड फेंक के एक बंदा नॉक हुआ था, तो मेरे टोटल 7 किल है। देखते हैं एट द एंड यार गेम ख़त्म होते होते मेरे कितने किल हो जाएंगे, 7 पे अभी मैं चल रहा हूँ। 7 वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते भाई, अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ, 3 राउंड ही खत्म हुए अभी और 7 किल, 3 राउंड और 7×14 हो जाते कितने ज़्यादा सही बात हो जाएगी ना, क्योंकि मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा आसान है 14 किल मैंने करे हैं भाई, मैंने 16 किल भी निकाले हैं, बट इस बार मुश्किल लग रहा है मुझे, उतना नहीं हो पाएगा उतना इजली 14 किल्स।
चलो यार, मैं सोच रहा हूँ ना, अभी बंदे को मारने के लिए अपने को किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे बंदा है भाई, उसने कट्टर हिंदू को मार दिया भाई। ये कट्टर हिंदू को मार के सोच रहा बच जाएगा भाई। चार कट्टर हिंदू हैं भाई अपनी स्क्वाड के अंदर, चार कट्टर हिंदू है भाई। एक को चलो तूने फिर भी लपेट दिया, बाकी तीन को कैसे मार पाएगा भाई। क्या बड़ा सा बंदा मार दे, बट देखो जीतेंगे तो हमें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी फाइन हार गए भाई सब। मैंने बोला भाई मैं मरा तो समझो कि सबके सब चले गए, मैं मरा मतलब अपनी स्क्वाड पूरी हार गई। और कोई बात नहीं, इस बार भाई कमाल करके दिखाएंगे, क्योंकि देखो अभी बराबरी हो चुकी है। बदला भी लेना है, रिवेंज भी लेना है अपने को, तो अपन 100% इनको मारने वाले हैं, इनको हराने वाले हैं। चलो ठीक है भाई, अभी इनको पावर पता चलेगी ना भाई अपनी। वैसे अपनी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, हारने तो हम नहीं वाले हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पर वेट कर रहा था, जोन आ गया पर बंदे नहीं आए। कोई बात नहीं, अब हम रस मारेंगे। कैंपिंग तो कर रहा था मैं वहाँ पर खड़े होके, और प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा चलाक निकले। बट अभी इनकी चलाकी मैं निकालने वाला हूँ भाई। ये रहा बंदा, ये गया, बच गया भाई, बच गया। कोई बात नहीं भाई, पीछे ही जोन बन रहा है ना। जोन कौन सा आगे जा रहा है भाई, जोन तो पीछे बन रहा है। इंतजार करूँगा भाई मैं आकर खड़े होके। अभी भाई 1v2 में करने, 1v3 करने वाला हूँ। रिवाइव मिल जाएगा तो 1v4 कर दूँगा। जाओ भाई, ठीक है मिल गया ना रिवाइव, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। मैं 1v4 मारूंगा भाई। एक कट्टर हिंदू भाई चार बंदों को मारेगा, क्या सीन हो जाएगा भाई। एक बार आप मतलब सोचो, ऐसे होगा नहीं होगा चेक करने वाली बात होगी। वैसे मुझे लगता है मैं मार दूंगा भाई। दो बंदे यार ग्लू होल के अंदर ही मर गए भाई, ये क्या हो गया भाई। खैर यहाँ पे डबल किल निकले, बट यार मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है। दो बंदे ना ग्लू होल के अंदर ही मर गए, पता नहीं कैसे भाई। अगर सामने आ जाते तो मैं मारता ना उनको भाई, एस मारता मैं। कोई बात नहीं भाई, वो अपने से फट गई भाई उनके, इसलिए वो जोन के अंदर ही मर गए, ग्लू के अंदर पैक हो गए। कोई बात नहीं, अपने को क्या करना भाई, अपने को तो गेम जीतने से मतलब है। दो किल और हो गए, फाइनल वाला राउंड है, इसमें देखते कितने का किल वगैरह निकलेंगे। गेम हम जीतने वाले हैं इसी वाले राउंड के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। चेक करेंगे क्या होगा। देखो मेरे पास मैक्स 7 है, तो हो सकता है भाई इसी वाले राउंड के अंदर आपका भाई गेम निकाल दे। वो ऊपर की तरफ से हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं मार पाएंगे भाई। आपका भाई निकल जाएगा, आने दो सामने की तरफ से बंदों को। चलो ठीक है, यहाँ से मैं सोचा ग्रेनेड को फेंको, अगर डैमेज लगता है तो अच्छी बात है। अरे भाई बंदे आ गए यार, ये तो काफ़ी था, गलत सीन हो गया। चार चार बंदे भाई, अरे यार शिट भाई, हार गए पता। अब हार गए भाई, अब हम नहीं जी सकते हैं। मैं बच गया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरा बंदा है कि अपोनेंट है। कोई बात नहीं, देखो अभी यार बिल्कुल इक्वल पे गेम पहुंच चुका है, तो इस बार थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। थोड़े हंसी मजाक के चक्कर में आपका भाई हार रहा है, पर इस बार नहीं करना अपने को ऐसा कुछ भी। अब इस बार अपने को बिल्कुल चौकन्ना रहना है, ध्यान से खेलना है, जैसे भी हो भाई इस बार इस वाले राउंड को निकालना है अपने को, गेम जीतना है अपने को कुछ भी करके। तो मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि इस बार पैसा काफ़ी ज़्यादा था अपने पास। अगर भाई ने काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से वेस्ट हेलमेट सब कुछ परचेस कर लिया। 3 लेवल की मेरे पास यहाँ पे M14 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चलेगी मीडियम और लॉन्ग रेंज में। और शॉर्ट रेंज के अंदर भाई मैक्स 7 से बेस्ट कौन सी गन है। हाँ आप बोल सकते हो M10, बट M10 को हटाओ, M10 के अलावा तो मैक्स 7 ही है ना, तो इसलिए मैंने मैक्स 7 को ले रखा है। M10 भी मैं ले सकता था यार, बट मुझे M10 उतना मज़ा नहीं देती है चलाने में। मेरी फेवरेट तो भाई देखो मैक्स 7 ही है, तो मैं मैक्स 7 को ही चलाता हूँ। अभी देखते हैं कि बंदे कहाँ पे हैं, मेरे ऊपर वो रसमाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे। पीछे है क्या भाई बंदा, दिख तो खैर नहीं रहा है ये बंदा। रहा है, चल खत्म, तू तो गया बेटा, तू नहीं बच पाएगा। चल यार हम जीतने वाले हैं अभी पूरा फाइन। ओ भाई इसने मुझे नॉक कर दिया, आओ आओ जल्दी से जल्दी से, एक ही बंदा है, फाइनल मार दो इसको। गई है लड़की, गई भाई, फाइनल राउंड है यार, और मैं मर चुका हूँ। तो क्या लगता है आपको, तो 3 राउंड में जब मैं मरा हूँ, जब जब मैं मरा हूँ ना, तब तक हम गेम हारे हैं। बट इस बार क्या होगा भाई, इस बार अपने फ्रेंड्स के पास भी अच्छी खासी लूट है, लूट देखकर इनके पास पहले भी रहती होगी, बट देखते क्या होता है। इन्होंने ना उसको शायद ग्लू के अंदर पैक कर दिया। हाँ भाई सीन होने वाला है यार, वो ग्लू के अंदर ही है, वो तोड़ने की कोशिश कर रही होगी ग्लू वॉल। वैसे वो तोड़ देगी मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी गन होगी, तो वो तोड़ देगी 100% ग्लू वॉल। बट देखते हैं क्या करते हैं ये लगा रहे के बाद ग्लू वॉल, उसकी एमोस ख़त्म करने की यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी है। मज़े ले रहे भाई ये, इनको पता है कि जितवा देंगे अपने को, मुझे भी पता है कि ये जितवा देंगे अपने को। यार दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वही बात है ना कि इनके मज़े लेने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। जोन थोड़ा सा उधर बनेगा तो इनको जोन कवर कर लेना चाहिए। मैं होता अभी तक मार देता भाई, मैं ग्लू वाला सीन नहीं करता, मैं सीधा डायरेक्ट मारता उसको। कोई बात नहीं, वो देखो निकल गए, मैंने बोला था भाई कि वो निकल जाएगी बाहर, और वो निकल चुकी है। बढ़िया मार देंगे उसको, मारो भाई, ख़त्म भाई ख़त्म, फिनिश। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे हो जाता है बुढ़िया। देखते हैं अपन पहुँच चुके हैं अभी, मतलब मैं Diamond 2 पे पहुँचने वाला हूँ। 10 किल आके भाई ने निकाले, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह ने। यही गुस्सा वीडियो में कमेंट बताना, वीडियो कैसी लगी है, मज़ा आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।